गिवन फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कोन, अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर ऑल विद द सेम डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द अदर डायमेंशंस आर एज़ शोन. कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इफ इट्स टोटल वेट इज 1.7 केजी. ठीक, तो पहले दो तीन बातें समझिए. ये क्रॉस सेक्शन है. क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि लेट अस अज्यूम अगर आपके पास ये स्फीयर है और स्फीयर को अगर आपने लेट अस अज्यूम नाइफ से काट दिया. सो लेट अस अज्यूम यू हैव अ बॉल, यू हैव अ बॉल लाइक दिस. जो बॉल है लेट अस अज्यूम दैट इट इज अ, जैसे आप लेदर बॉल लेते हो, वो लेदर बॉल आपने नाइफ से ऐसे काटी ताकि इट पासेस थ्रू द सेंटर. सो यू विल गेट अ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस. भाई समझ आया? समझ आ रहा. तो ये आपका स्फीयर है. द क्रॉस सेक्शन दैट यू विल गेट वुड बी अ सर्कल. कोई डाउट तो नहीं है इस बात पे? नो सर. सो फॉर एग्जाम्पल, आई मे हैव अ क्यूबॉर्ड लाइक दिस. आई मे हैव अ क्यूबॉर्ड लाइक दिस. अब इसको मैं, इस क्यूबॉइड आप कुछ भी मान लो यार, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ सोप. सो आपने नाइफ से इसको काटा, यहाँ ऊपर से काटा इसको. सो यू हैव चॉप्ड इट लाइक दिस. तो इसका जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल बनेगा. इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन. तो फर्स्ट वर्ड तो ये हमें समझना. Now what you need to understand is a cross section of a cone. So for example, if I have a cone like this, a cone ka agar main, if I take a cross section, so the cross section would be cone ka. बोलिए भाई, आवाज आ रही? जी जी कौन का क्रॉस सेक्शन क्या होगा? थोड़ा इमेजिन करके देखिए ना. आप अगर इसको काटेंगे ऊपर नाइफ से काटेंगे जी, तो कौन का क्रॉस सेक्शन क्या मिलेगा आपको? जो उसका जो उसका जो एरिया होगा वो पायर स्क्वायर अपॉन टू होगा, कि नीचे वो आधा होगा. मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो. आप अगर कोन को काटोगे, मतलब कोन को, ये आपके सामने कोन है, वर्टिकली यू टेक अ ब्लेड लाइक दिस, और आप इस ब्लेड को वर्टिकली इस कोन को चॉप कर देते हो ऊपर से, आपका जो नाइफ है वो नीचे आएगा, तो आपके पास क्या क्रॉस सेक्शन आएगा कोन का? हाउ विल इट लुक लाइक? ट्रायंगल. सिंपल, ऐसा आपको नजर आएगा जी. Do we agree to this? जी. अगर आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर को अगर आप ऐसे ऊपर से नाइफ लो और ऊपर से आप चॉप कर दो, तो आपका क्रॉस सेक्शन क्या क्या होगा सिलेंडर का? रेक्टेंगल. आप अगर हेमिस्फीयर को ये नाइफ लोगे और कट करोगे, तो आपके पास क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा? हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का क्रॉस सेक्शन क्या आएगा? मतलब सर्कल, हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है यार. भाई यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर. ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है. आपको क्वेश्चन समझ आ गया? समझ आ. ओके, अब एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो तीनों फिगर्स बन रही हैं उनका जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है. सो ये जो डिस्टेंस है ये आपका 10 सेंटीमीटर है, विच इंप्लाइज कि दिस वुड बी 5 यहां से लेके यहां तक, दिस वुड बी 10 और यहां से लेके यहां तक दिस वुड बी 5. भाई कोई डाउट है यहां तक? नो सर. फिगर तो हमें समझ आ गई. जो ये ट्रायंगल है,
ये देखिए, ये जो ट्राइंगल है, ये जो फाइव है वो ये वाला फाइव है, इसकी ये जो हाइट है वो हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, बोलो भाई, 12 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर शाबाश। तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, हाइट दिया नहीं है उसका। शाबाश। अगर ये सेमी सर्कल है और आपको बता दिया गया है कि ये जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ये कितना होगा, कोई 5 सेंटीमीटर डाउट है भाई, आपको फिगर समझ आ गई? जी। सबसे पहले हमें फिगर समझ आनी चाहिए ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आए तो हम वो आराम से कर सकें। अच्छा अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो आपसे पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो यहां पर जो ये सरफेस एरिया होगा वो ये वाला सरफेस एरिया होगा भाई, कोई डाउट तो नहीं है? ये नो सर, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया मतलब दो साइड की निकालना। आप बताइए, आप सोच के बताइए। जो फिगर है, आपको वो फिगर दिख रही है या नहीं दिख रही? दिख रही है। फिगर जो है, देखिए बात समझिए, जो फिगर है वो ऐसे 3D में है, आपको समझ आ रही है? फिगर समझ रहा हूँ। 2D में नहीं है, ये तो उसका क्रॉस सेक्शन है भाई, समझ तो नहीं आ रहा? फिर जी, तो फिर इसका फोन का टोटल सरफेस एरिया निकालो। बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? जो उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला जो बेस का एरिया। मुझे फॉर्मूला बताइए ना, क्या होता पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। है, थोड़ा सोच के बताइए। अगर ये फिगर ऐसी है जैसे आपको मैंने बना के दिखाई है, तो आपको क्या लगता है कि कोन का जो सरफेस एरिया है, क्या हमें पाई आर स्क्वायर उसमें ऐड करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? तो सर बाहर वाले मांग रहे हैं सरफेस बाहर एरिया। वाला, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये तो पाई आर एल हो जाएगा, शाबाश। फिर आएगा ये हमारे पास जो सिलेंडर था, ये देखिए ये जो सिलेंडर था, देखिए आप बात समझिए, ये जो फिगर आपको दी गई है ये तो क्रॉस सेक्शन है, एक्चुअल में जो फिगर है वो ऐसी नजर आएगी जो कि आपको 3D में नजर आएगी, भाई समझ आ रहा है आपको? मतलब अब मुझे ये बताइए जरा सोच समझ के, ये जो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया क्या लोगे आप? टू पाई आर एच, शाबाश। तो सिलेंडर पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारा क्या आता है, ये वाला, इसका सरफेस एरिया क्या लेंगे हम? डी पाई आर स्क्वायर। आई एम सॉरी, थ्री पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, शाबाश। 3 पाई आर स्क्वायर कैसे होगा बेटा? बोलिए बोलिए, शाबाश। पता नहीं।
थ्री पाई आर स्क्वायर आप कैसे निकालते हो? आप ये निकालते हो ना, ये वाला पोर्शन निकालते हो पहले, तो ये पोर्शन का एरिया कितना होता है? हाँ, चलो आपको कंफ्यूजन है तो ये बताओ, ये हेमिस्फीयर है बेटा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? हाँ, स्फीयर का सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर, शाबाश। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, शाबाश। अभी अगर मैं इसको ऐसे चॉप कर देता हूँ इनटू टू सच हेमिस्फीयर्स, अगर मैं इसको चॉप कर देता हूँ इनटू टू सच हेमिस्फीयर्स, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका एरिया कितना होगा? उपाय। शाबाश। और ये जो नीचे एरिया है, ये कितना होगा? नहीं, आप थोड़ा सॉरी सोच, पायर्स को थोड़ा सोच के बोलिए, आप गलत लिखेंगे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, रैंडमली कुछ भी बोलेंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सोच समझ के बोलिए। ये हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? ई पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। आपको पता चल गया 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आता है? जी। अब मुझे ये बताइए, इन दिस पर्टिकुलर केस, टू पाई इन आर दिस, स्क्वायर होगा। शाबाश, आप सोच के आंसर दीजिए, रैंडमली जो दिमाग में आ रहा है वो मत करिए, गलत हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, लाइन में सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। भाई, यहां तक कोई तकलीफ? अब देखिए, तो कहने का मतलब, जो टोटल सरफेस एरिया है दैट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट। एक पार्ट तो है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दूसरा पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और तीसरा पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। भाई, यहां तक कोई डाउट है? शाबाश। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या? पाया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या? भाई, पाया नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, पाया शाबाश। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा भाई? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आई आर कॉमन ले लिया, एल ले जी लिया, यहां से कॉमन 2h ले लिया, भाई समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। और यहां पर अंदर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? 2 आर 2r। आपको समझ आया मैंने क्या किया? अब समझ आ रहा है। देखिए, पाई मेरा 22/7, रेडियस कितना मेरा? 5 रेडियस था मेरा 5, करेक्ट। लेंथ कितनी मेरी? सॉरी, और ये तो कर्व्ड लेंथ है भाई, कर्व्ड 13 लेंथ को निकालनी पड़ेगी मुझे। ये 12 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से ये 13 आ जाएगी। तो ये मेरी कर्व्ड सरफेस एरिया की लेंथ है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 13 प्लस ट्वाइस ऑफ हाइट, कितनी आएगी बेटा? शाबाश। 12 ये वाला 12 प्लस ट्वाइस ऑफ आर, कितना आएगा भाई? 5। 5 तो आराम से सोच समझ के क्वेश्चन करेंगे, समझ के करेंगे तो आंसर ठीक आएगा, नहीं तो क्वेश्चन 2 मिनट में गलत हो जाएगा।
बड़ा क्वेश्चन है, आप समझने में टाइम वेस्ट करेंगे, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करेंगे, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। ओके तो ये मेरा 13 है, ये मेरा 24 है, ये मेरा 10 है, ऐड करता हूँ 4 + 3 = 7, 2, 3, 4, 47, यहाँ पर आ जाएगा 47। भैया आपको यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर। एक बार आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि कैलकुलेशन ठीक है नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर 49 है। मेरी बात समझे आप? समझ रहा हूँ। तो लग तो ठीक रहा, बट एक बार फिर भी ट्राई कर चेक कर लेते हैं। ये पाई आर एल है, ये 2 πr h है, और ये 2 πr² है। तो ये 22/7, रेडियस 5 है, लेंथ 13 है, कैसे 13? ये 12 है, 12 कैसे आया? ये मेरा 12 है और रेडियस मेरा 5 है, तो पाइथागोरस से ये मेरा 13 है, तो ये मेरा यहाँ पर 13 है, करेक्ट। और ट्वाइस ऑफ हाइट, हाइट मेरा किसका? सिलेंडर का, जो कि ये 12 है, तो ये यहाँ पर आ गया। और ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस किसका? इसका, ये वाला जो क्वेश्चन, 2 × 5 = 10 है। और फिर मैंने इसको सिर्फ ऐड करना है, ये मेरा 22/7 × 5 है, ये 22/7 × 5 है, और इसको मैं ऐड करूंगा 13 + 24 + 10, तो 4 × 3 = 7, 2, 3, 4, 47। ठीक, आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सही समझ आ गया जी? तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, बोलिए ये पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा? ये पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा? ये पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, बोलिए जरा। कोन का जो वॉल्यूम होगा 1/3 πr² है जो। ओके, मैं इसको H1 लिख देता हूँ, ये जो है, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, इसको H1 लिख देता हूँ, इसको H2 लिखूंगा। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? πr², πr² H2। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 πr³ मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज इसको अलग और इसको अलग कैलकुलेट मत कीजिए, आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। आप पहले ऐसे फॉर्मूला लिख लीजिए। आपको समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? जी समझ रहा हूँ। और क्वेश्चन आराम से कीजिए, नहीं तो डबल ट्रिपल टाइम लगेगा और क्वेश्चन गलत निकलेगा। कॉमन क्या ले सकता हूं मैं? पाई आर। थोड़ा सोच के बोलिए, सोच के बोलिए। पाई आर ही, पाई आर। ओके, भाई समझ आया आपको? समझ आया। यहाँ पर क्या लिखूं, फर्स्ट टर्म क्या लिखूंगा? 1/3 h1 + h2 + 2/3 r। भाई कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, ये अप्रोच का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये होता है कि आपको जो कैलकुलेशंस है वो मिनिमल हो जाती है, बट ये अप्रोच रिस्की इसलिए है कि यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड व्हाइल डूइंग दिस, नहीं तो आप गलती करोगे। आपको मेरी बात समझ आ रही? समझ आ रही। एंड दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस,
ट्रेन यू हाउ टू डू डिफिकल्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन का सबसे बड़ा फायदा ये है. तो ये 22/7 आ गया. आर स्क्वायर की वैल्यू आपने कितनी डाल दी बोलो भाई. आर एक स्क्वायर क्वेश्चन था मुझे सॉरी बोली मुझे एक क्वेश्चन था पूछना था. बोली बोली बोली. हमने H1 और H2 क्यों लिया? दोनों की हाइट तो सेम है. हाइट दोनों सेम है करेक्ट. बिल्कुल ठीक. एच भी ले सकते हैं बिल्कुल ठीक. तो एक्चुअल में आप फिर और सिंपलीफाई कर सकते हो. अगर आप सेम लेते हो शाबाश. अगर आप सेम लेते हो तो आप और भी सिंपलीफाई कर सकते हो बिफोर यू इवन स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज. शाबाश. क्यों? क्योंकि ये आएगा पाई आर स्क्वायर. ये 1/3 एच प्लस एच कितना हो जाएगा? फोर अपॉन थ्री आपको समझ आ रहा है? समझ शाबाश. 2/3 थ्री आर. आर. 2/3 आर. अब क्या कॉमन ले सकते हो आप बाहर? 2/3 पाई आर स्क्वायर 2/3. यहां पर क्या आ जाएगा? 2H+R. आपको समझ आया? जी समझ आ रहा. तो सी इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी तक मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली है. डू यू गेट इट? जी सी दिस विल हेल्प यू टू डू कॉम्प्लेक्स फिजिक्स क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. वही समझ आ रहा है? जी फटाफट वैल्यूज डालने की कोशिश मत कीजिए. उससे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, आसान नहीं होता. ट्वाइस ऑफ एच आ गया मेरा 24 प्लस ये आ गया 5, ये आ गया 29. वही समझ आ रहा है? समझ आ. आपको ये सिंप्लीफाई करना है. 22/7 25 2/3 और होल मल्टीप्लाइड बाय 29. समझ आया? इससे आपका जो भी आएगा वो आपका वॉल्यूम आ जाएगा. डेंसिटी कैसे निकालोगे बोलिए? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. अरे सर ये मैथ्स वालों ने पहले तो ये गलत लिखा है. जी क्या? जी मास होना चाहिए. ये तो वेट हो ही नहीं सकता. ये तो होगा मास. जी अच्छा तो बताइए आप कैसे निकालेंगे डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. और हमको वॉल्यूम मिल गया, मास भी दिया हुआ, तो उससे पे डेंसिटी निकाल सकते हैं. मास है 1.7. वॉल्यूम कहां से आएगा? यहां से. ये जो आंसर है आपके पास यहां पर, ये जो आंसर है ये आप डाल लेंगे यहां पर. कोई समझ नहीं आया? समझ आ रहा है. तो ये सारा क्वेश्चन आपको दोबारा करना है. आपको समझ आ रहा? समझ आ रहा.